अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। वाले बा जी को बेटा तुम अचानक की आ गए? बस अबू आप लोगों को मिस कर रहा था, मैंने सोचा चक्कर ही लगा लूं। कैसी हो तुम? सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी कहाँ है? वो भाई सनम के ससुर का इंतकाल हो गया तो वहीं गई हुई है। ओहो, फिर तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। नहीं भाई आप अभी भी आए हैं, आप फ्रेश हो जाएं, मुंह हाथ धो लें फिर चले जाइएगा। बेटा कुछ देर सस्ता लो फिर चले जाना। ठीक है मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ फिर चला जाता हूँ। फिर मेरे लिए जरा चाय बना दे। मैं लाती हूँ। आपने अच्छा किया जो यहाँ चले आए, वरना लोग बहुत बातें बना रहे थे। लोगों का तो काम है बातें बनाने, उन्हें तो मौका चाहिए बस। इस वक्त आपको शादी भी नहीं करनी? शराफत इस बात को छोड़ो। सनम मैम बहुत डिप्रेशन में है, वो भी आपकी बीवी है, उन्हें इस वक्त हौसले और तसल्ली की जरूरत है। तुमने देखा नहीं उसने सबके सामने कैसी बदतमीजी की मुझसे? मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर यहां आया हूं, वरना कभी ना आता। हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, अपने शौहर के साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। मोहब्बत सब झूठ है। सच तो ये है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं और उसी मोहब्बत की खातिर उन्होंने अपने आप को बदला है। मॉडर्न मेकअप, ड्रेसिंग जो आपको पसंद है आप ही के लिए तो किए। अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? दानियाल साहब ने सनम बीबी को आपके लिए पसंद किया था, वो उन्हें बहुत चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि आप दोनों मियाँ बीवी इस घर में खुश रहें। और नताशा, उसका क्या होगा? जब मर्द औरत को मोहब्बत से समझाता है तो वो हर बात मान जाती है जो मानना नहीं चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? आप सनम मैम को मोहब्बत से समझाएं, नताशा मैम ऊपर और सनम मैम नीचे भी तो रह सकते हैं।